Vai no fone. किस तबीयत हो? क्या दिक्कत होगी आपके साथ में? मेरे ससुराल वाले, ससुर ने, सास ने, मेरे हस्बैंड नंदे के पानी में कुछ मिलाकर मुझे पिला दिया था। क्या क्या नाम है उनके? मीनाक्षी नंद है, देवर साहिल और हस्बैंड हेमंत है और ससुर मेरे सत्यवीर, सास सावित्री है। तो क्या मैं पिलाया आपको, कुछ पता है उसके बारे में? पानी मिला के फिर उसके बाद क्या हुआ? मैं बेहोश हो गई थी। अच्छा, और कुछ आपसे बोलते हैं, किस तरीके से तंग करते हैं? मेरे ससुर ने भी कई बार मेरे साथ बदतमीजी की है मुझे, अगर किसी को बताने के लिए बोलते तो मुझे मारने। किसी को बताया फिर आपने उनके बारे में? घर में बताया था। घर वाले क्या था बोले कि हम तरफ से? क्या नाम है आपका जी? रेखा। कौन सा गाँव है आपका? भवाना। भवाना, क्या क्या वारदात हुई आपके साथ? मेरे ससुराल वालों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, उसमें मेरी ननंद, मेरे हस्बैंड देवर और सास ससुर है, उन्होंने पानी में मिलाकर मुझे कुछ पिला दिया था जिसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। तो पुलिस को कंप्लेंट करी है? हाँ जी की है। पुलिस बयान लेके चली गई? पुलिस आई थी? हाँ जी आई थी। मैंने कंप्लेंट की है कि मेरे ससुराल वाले मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे ससुर ने भी कई बार मेरे साथ बदतमीजी की है, मेरा हाथ पकड़ लिया था, अगर मैं घर में किसी को बताना चाहती तो मुझे मारने की धमकी देते थे और प्रेगनेंसी होने पर उन्होंने बच्चा मिस करवा दिया था मेरा दो तीन बार। अच्छा, फिर कोई बीच बचा हुआ जब पंचायत वगैरह हुई कोई? हाँ जी हुई है कई बार। कब से सिलसिला चल रहा है? करीब 6-7 महीने हो चुके हैं। शादी कब हुई थी? शादी को 2 साल हो जाएंगे, 13 दिसंबर 2021 को हुई थी। मनमुटाव का कारण क्या रहे? वो बस दूसरी औरत का आना ही है। मेरा ससुराल चौड़ पर है, मेरे हस्बैंड का नाम हेमंत है, उन्होंने अपने परिवार के साथ मिलकर सतवीर, मम्मी सावित्री, भाई साहिल और बहन मीनाक्षी, इनके साथ मिलकर मुझे पानी में घोलकर कुछ पिला दिया था के साथ में बेहोश हो गई थी। उन्होंने मेरा अबॉर्शन भी करवा दिया है 2-3 बार। तो आप अस्पताल में कैसे लाए, कौन से अस्पताल गए थे पहले? दान सोना लेके गए थे वो मुझे। फिर अब यहाँ गुरु नानक गए? यहाँ तो मेरे भाई लेके आए मुझे। मेरी डिमांड है कि उनके साथ कानूनी कार्रवाई की जाए। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, मुझे आईसीयू में रखा गया था और जब मेरी आंखें खुली तो मेरे भाई मुझे यहाँ लेके आए थे, ससुराल वाले ने कोई साथ नहीं दिया मेरा। आज सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा, किस किस के खिलाफ कंप्लेंट किया आपने? मेरे हस्बैंड हेमंत, ससुर सतवीर, सास सावित्री, ननंद मीनाक्षी और देवर साहिल के खिलाफ है। मेरी शादी मेरे भाइयों ने बहुत ही अच्छे तरीके से की थी, उन्होंने गाड़ी सोना सब कुछ दिया था, लेकिन ससुराल वालों को ये पसंद नहीं आया, वो और भी पैसा मंगवाते थे मुझे और अगर मैं मना करती तो मुझे मारने की धमकी देते थे, किसी को बताने भी नहीं देते थे इन सब के बारे में। 1-2 बार मैंने पैसे दिए थे भाई से लेके। आपके साथ मारपीट भी होती रही है? मारपीट नहीं, सिर्फ धमकी देते थे मुझे मारने की। विनोद कुमार विनोद जी, क्या वारदात हुई आपके साथ? वारदात ये है जी, मेरी बहन जी चुगणपुर गांव में ब्याही है जी, वहाँ इनके ससुराल वालों ने इसे ज़बरदस्ती पॉइजन पिला दिया और मेरे पास फ़ोन कर दिया कि आप सोहना आ जाओ, लड़की ने वो जहर पी लिया है। वहाँ मैंने जाकर देखा तो लड़की की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आईसीयू में थी। फिर हमने वहाँ से उनसे डिस्चार्ज करवा के हम पलवल के लिए ले आए। उन्होंने हमसे ये भी नहीं कहा भाई तुम यहाँ रहने दो, हम इलाज कराएंगे या नहीं कराएंगे। उनका ना कोई फ़ोन आया ना कोई मैसेज अभी तक, कोई बातचीत ही नहीं, कोई उन्होंने हमसे कोई बातचीत नहीं की। फिर हम अब लड़की को यहाँ ले आए जी और यहाँ हमने मारने के लिए दस 15-20 लड़के बुला लिए थे वहीं से अपनी रिश्तेदारी में से। अब हम यहाँ पर लेके आए तो यहाँ हमने ट्रीटमेंट कराया जी लड़की का। अच्छा, जहर पी लिया था इसने, पी लिया या इसको पिलाया गया? जहर पिलाया गया था ज़बरदस्ती से, इसके हाथों हाथ पकड़ के बहन जी के, तो ज़बरदस्ती जहर पिलाया। वो हेमंत है जो हमारे सिस्टर के घर वाले हैं, उनका छोटा भाई है साहिल, इनकी एक ननद है मीनाक्षी और ससुर सतवीर और वो जो सासू माँ सावित्री, इन चारों पांचों ने मिलके ज़बरदस्ती किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने इसका मुंह पकड़ के जल वो पिला दिया था जी। कई बार इसे धमकियाँ दी थी जी कि पैसे लेके आ घर से, जान से मार देंगे, और गाड़ी की भी डिमांड की है उन्होंने कि हम तो गाड़ी लेंगे दूसरी, 2 गाड़ी चाहिए हमें। तो डिमांड ये है जी, हमने पुलिस वाले आए हैं, वो अभी बयान लेके गए हैं बहन जी के,
हम चाहते हैं कार्रवाई हो उन पर सख्त से सख्त। वो तो हम सामान लेंगे जी अपना, जो कुछ हमने दिया है, गोल्ड भी दिया है, पैसे भी दिए, कैश भी, गाड़ी भी दी है हमारी। अब वो जो लड़का है उसने हमारी बहन जी की सारी चीज़ जो थी वो बेच के खा पी ली सारी। उसका नेचर बहुत ख़राब है जी, वो मतलब किसी दूसरी लड़की के साथ अवैध संबंध में है। इस बात का हमें लगभग 8 महीने पहले पता चला, तभी से हमारी बहन जी के साथ उनका झगड़ा चलता रहता है। वो कभी कहता है तू यहाँ से चली जा, मैं तुझे नहीं रखूँगा, मैं तो उसे रखूँगा। कभी धमकाता है, कभी बोलता किसी को बताएगी तुझे जब मारेंगे जान से। और जो बहन जी का जो ससुर है वो ये कहता है कि बेटा अब मॉडर्न ज़माना है, वो भी रहेगी तू भी रह ले। वो इस तरीके से बहुत बात करता है कि 21वीं शताब्दी की उसकी सदी की ज़िंदगी जी या 19वीं की मर्जी। जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम आपसे अनुरोध इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोकल चैनल कैसे आगे बढ़ेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आपका हितकर है।